Hello students, welcome to the 11th class, and in this class we will be dealing with a very important topic related to international relations, and the topic's name is negotiation between United States of America and Taliban. Now this news, this current affair, it is in news since last 18 years. So what this negotiation is all about, that is currently going on between USA and Taliban, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा background समझना पड़ेगा. तो पहले 3 मिनट में आपको मैं background explain करूँगा, उसके बाद में हम deal करेंगे इसका ultimate result क्या होने वाला है और इंडिया का क्या रोल रहेगा अफगानिस्तान के साथ आने वाले सालों में. अभी अफगानिस्तान में elections भी हो रहे हैं, president का election चल रहा है, वो सब चीजों को समझने के लिए एक बैकग्राउंड समझेंगे. सी, इन 1950s द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, दुनिया दो हिस्सों में बट गया 1950 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था 1950s का. द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, एंड आई वुड से द टू फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स. डोंट यूज द वर्ड फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स इन योर आंसर दो, बट मैं यूज कर रहा हूं. पहला कौन सा था? कैपिटलिस्ट. सेकंड वाज कम्युनिस्ट. दुनिया दो हिस्सों में बट गई एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज वर रिप्रेजेंटेड बाय और अ पायोनियर वाज यूएसएसआर. यहां तक समय लग गया? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कैपिटलिज्म था जब 1950s में ये स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ, इसका आइडियोलॉजी स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ, कैपिटलिज्म अपना स्कोप बढ़ाना चाहता था. यूएसए चाहता था कि इसकी जो आइडियोलॉजी है, जहां पे मार्केट काम करे, मार्केट फोर्सेस काम करें, सरकार का कम हिस्सेदारी हो, तो यूएसए ने इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया. एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉन्टेड कैपिटलिज्म टू स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. वो चाहता था कि दुनिया में जितना ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड करेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होगा. क्या स्ट्रेंथन होगा? उसका खुद का पावर एंड अथॉरिटी. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जितना भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज था, जो मुस्लिम वर्ल्ड था, इट वॉज एक्चुअली कंफ्यूज विच ग्रुप टू ज्वाइन. सो इन दैट सिनारियो यूएसए ने मुस्लिम देशों को यह समझाया कि आप रशिया के अगेंस्ट हो जाएं, रशिया आपके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूएसए ने स्प्रेड की अफगानिस्तान में, दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ वन सिंगल गॉड. यूएसए ने मुस्लिम वर्ल्ड को बताया कि जो अल्लाह है जिसमें आप मानते हैं, उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, बिकॉज कम्युनिस्ट डजेंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड. वेयर एज द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, वेयर एज द ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, वेयर एज द क्रिश्चियनिटी इज कंसर्न्ड, दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड. सो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी समहाउ आर अलाइंड आइडियोलॉजीज, आर सिमिलर आइडियोलॉजीज यू कैन से, बट इट इज वेरी मच डिसिमिलर. सो देर इज लॉट ऑफ डाइवर्जेंस. बहुत भिन्न है, बहुत अलग अलग है जो मुस्लिम धर्म है और आपका कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी है. कम्युनिज्म भगवान में नहीं विश्वास रखता. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड वूड, इनको इन्फ्लुएंस कर लिया, इनको मोटिवेट कर लिया मुस्लिम कंट्रीज को. इनको मोटिवेट करके यूएसए ने इनको अपनी साइड करना शुरू कर दिया. एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कैपिटल कम्युनिस्ट कंट्रीज, ताकि कम्युनिज्म ना बढ़ जाए मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रियों में कम्युनिज्म ना आ जाए, यूएसए ने क्या किया? आतंकवादी पैदा किए. वो आतंकवादी कौन थे? तालिबान. तालिबान को हथियार दिए, उनको ट्रेन किया, और तालिबान ने लड़ाई भी किया रशिया के अगेंस्ट, जिसको हम पहले बोलते थे यूएसएसआर. बट एक बार यूएसएसआर डिफीट हो गया, उसका कमजोर हो गया यूएसएसआर, बाइफर्केशन हो गया यूएसएसआर का, तो जितना तालिबान ग्रुप इन्होंने ट्रेन किया हुआ था, जिनको पहले फंडिंग देते थे, जिनको पहले पैसा देते थे,
वो सारा पैसा देना, वो सारी फंडिंग, वो सब कुछ बंद हो गया. नाउ जब फंडिंग बंद हुआ, नाउ दिस तालिबान दे हैड गॉट अगेंस्ट यू एस ए एंड इन 2001 इट वॉज तालिबान दैट हैड अटैक्ड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किलिंग अराउंड 3,000 US civilians, 3,000 civilians को मार दिया. बहुत बड़ा अटैक था USA के ऊपर ये वाला 2001 में जो तालिबान ने किया. तो USA ने तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में जंग छेड़ दी, बिकॉज तालिबान की सरकार थी उस टाइम पे अफगानिस्तान में. USA ने कहा कि हम तालिबान को बिल्कुल खत्म करेंगे. 18 सालों में USA ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर वहां पे स्पेंड कर दिया. पिछले 18 साल से लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान में, बट इन 18 सालों में जो आपका तालिबान है वो डिफीट नहीं हो पाया. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आप अफगानिस्तान का फिजियोग्राफी देखें, अगर अफगानिस्तान का ज्योग्राफी देखें, इट इज नॉट अ प्लेन रीजन, इट इज एक्चुअली अ माउंटेनियस रीजन. एंड द तालिबान्स दे डोंट फाइट इन लार्ज ग्रुप, they fight in small groups. It is very difficult to locate all the Talibanis and to kill them and to defeat them. They operate in groups, small groups, and they resort to attacks like suicide attacks, lone wolf attacks, but more of suicide attacks. So in 18 years, United States of America, despite being a defense leader of the world, despite having access to such sophisticated technology, state-of-the-art technology, it has not been able to control Taliban. So presently, negotiation is going on between USA and Taliban. USA has realized that it is no longer going to win the war. USA wants Taliban to curb violence. It wants a stability there. And this is one of the reason why USA needs the support of Pakistan. And this is one of the reason why USA had stood behind Pakistan for so long. This is the reason why USA had not been able to get very close to India. Despite so many complementarities. Itna kuch हमारा सिमिलर है यूएसए के साथ. डेमोक्रेसी ले लीजिए, हम भी आज की डेट में हम भी सीरो कैपिटलिस्ट कंट्री बन गए हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेके यूएसए और हिंदुस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत करीबी वाले संबंध नहीं बन पाते. अभी प्रेजेंटली जो नेगोशिएशन चल रहा था उसमें तालिबान ने बैक आउट कर दिया है. तालिबान कभी भी अटैक करना नहीं छोड़ता. तालिबान के साथ नेगोशिएशन एक चीज क्या और भी मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तालिबान इज नॉट वन सिंगल लार्ज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देर आर मल्टीपल ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ अफगानिस्तान. सो इफ वी रियली वॉन्ट टू डिफीट तालिबान, दैट विल बी पॉसिबल बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज मल्टीपल ग्रुप्स. सो now if you want to read more on this, you can visit our website, that is brainyis.com. so this was a small current affair analysis that I do on my YouTube channel. But in case you want the complete classes on current affairs and you want to join GS batch, you can join us at brainyis in Chandigarh, in Zirakpur, and in Agra. So this is all for the classes. In case you have any sort of doubt, you can contact my team at 84594 PENTA 00000. Bye bye, take care, have a nice day.